क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर देगा? कि इंडिया दुनिया में इस वक्त एक वाहिद टीम है जो कि होम में तो इम्पेनिट्रेबल है ही है, इजीली कर सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ना स्पिनर्स में काफी मुश्किल हो रहा है, उनका जडेजा जिसने कम बैक किया है। क्या अपडेट्स हैं और ये पिच की रिपोर्ट्स क्या आ रही है सेकंड की, और ये क्या बोल दिया चैपल ने कि दे आर लाइक टू सॉफ्ट और टू काइंड और व्हाट? गलत फहमी बड़ी होती है, ये डिल्यूजनल सुपरस्टार हैं ये, मतलब है गलत फहमी के। सो ये जो ब्रांड ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना है तो पहले इंसान बनना है, बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। व्हाट अ कमेंट। इंदौर की पिच के ऊपर से मुखड़ा उठ चुका है और इंदौर की पिच मुखड़ा उठा के कह रहा है कि आओ भाई ऑस्ट्रेलिया खुशबू लगा के एक दफा फिर और अश्विन का सामना करो, क्योंकि जो होलकर स्टेडियम है इंदौर के अंदर, यहाँ अश्विन का एक भयानक किस्म का रिकॉर्ड है। और चैनल में स्वागत है दोस्तों। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट से पहले पाक मीडिया से लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया में यही चर्चा है कि भारतीय टीम कंगारू को व्हाइट वॉश कर देगी। ऑस्ट्रेलियन के फॉर्मर खिलाड़ी और भारतीय टीम के फॉर्मर घटिया घमंडी कोच ब्रिक चैपल ने अपना गुस्सा ऑस्ट्रेलियन टीम पे उतारा। फॉर्मर पीसीबी हेड रमीज ने सिखाई सोहेब अख्तर को तमीज का, अब तो आदत सी है पाकिस्तानियों को गलत फहमी में जीने की, और इंडोर टेस्ट से पहले फिर पिच पर पगला रहे कंगारू। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा इस बार कंगारू उबालेंगे अंडे चार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद, और चैनल में जो नए दर्शक है उनसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को पाकिस्तानी आतंकवादी का गला समझकर दबा दे। आइए आगे देखते हैं भारतीयों की तारीफ की कहानी पाकिस्तानियों की जुबान। जैसे वो पहले के दो मैच जीते हैं, जिस तरीके से लगता है कि वो दूसरे दोनों मैच भी जीत जाएंगे। देखिए वो हार्दिक पांड्या जैसे एक स्टेटमेंट देते कि हमारी इतनी है कि हम दो से तीन टीमें बना लें, उनको भी कप जीत सकते हैं। चलिए मुझे तो ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी अगले दोनों टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। सर पहला टेस्ट जो है वो फर्स्ट इनिंग से और 132 रन से इंडिया जीता, दूसरे टेस्ट में नहीं होने देगी। अच्छा व्हाइट वॉश नहीं होने देगी। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर देगा? देखिए जी पॉसिबिलिटी है भी है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट है, बाई चांस हो जाए। उन्होंने तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके भी लेतर पोला किया, यहाँ भी आके फिर कर लें। ठीक है, पाकिस्तानी आप अपने नेबर कंट्री के क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे? जी जी बिल्कुल करते हैं जी, हम करते हैं। इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर सकती है? इजीली कर सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ना स्पिनर्स में काफ़ी मुश्किल हो रहा है, उनका जडेजा जिसने कम बैक किया है वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पहले मैच में उसने परफॉर्म किया, अभी भी उसने परफॉर्म, और उम्मीद है इंडिया में इंडिया की कंडीशन है, इंडिया को होम एडवांटेज है थोड़ा, और इंशाल्लाह लग तो यही रहा कि वो क्लीन स्वीप मार। क्या अपडेट्स हैं और ये पिच की रिपोर्ट्स क्या आ रही है सेकंड की, और ये क्या बोल दिया चैपल ने कि दे आर लाइक टू सॉफ्ट और टू काइंड और व्हाट? बॉर्डर है, क्लार्क है, ये ग्रेट चैपल भी अंदर कूद पड़ा है, कुछ और भी आवाजें निकल रही थी मेंढकों की, तो आप नहीं समझते कि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डाल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम पे? भाई देखे हो जाता है, अब इंग्लैंड को उड़ा के रख देता है ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड वहां जाता है, लेकिन हो जाता है कभी आपकी? अब इंडिया में आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपसे मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा मुश्किल है, तो भाई जी जब बड़ा मुश्किल है चले वो ट्राई तो कर, इन पैचेस ही सही है, ऑस्ट्रेलिया ट्राई तो कर रहा है। इंदौर की पिच के ऊपर से मुखड़ा उठ चुका है और इंदौर की पिच मुखड़ा उठा के कह रहा है कि आओ भाई ऑस्ट्रेलिया खुशबू लगा के एक दफा फिर और अश्विन का सामना करो, क्योंकि जो होलकर स्टेडियम है इंदौर के अंदर, यहाँ अश्विन का एक भयानक किस्म का रिकॉर्ड है, और अश्विन एक नेमेसिस होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, अश्विन को हैंडल करना, ऑलरेडी एक नेमेसिस बना हुआ है अश्विन के साथ साथ जडेजा और अक्षर दोनों को हैंडल करना, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो। बेसिकली इंदौर का पिच इसी तरह कहा जाता है कि रेड सॉइल विकेट होता है, ये विकेट वक्त के साथ चलते 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 जब बॉलर्स फुट मार्क क्रिएट होते हैं, रफ क्रिएट होते हैं, तब स्पिनर्स यहाँ एक्शन में आते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा का से कह रहा हूँ, रविचंद्रन अश्विन की या अलग ही स्टैट है, उन्होंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ खेला है, तो अश्विन जो है ना वो इरिस्पेक्टिव के रेड सॉइल हो ना हो, अश्विन के स्टार्ट बड़े सुपीरियर यहाँ रहते हैं। कि इंडिया दुनिया में इस वक्त एक वाहिद टीम है जो कि होम में तो इम्पेनिट्रेबल है ही है, कोई 28-29 सीरीज जीत गए हैं, दो टेस्ट आ रहे हैं पिछले 10 साल में होम ग्राउंड में। ऑस्ट्रेलिया जो है पहले ही होता था, बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीता,
इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जीता, इंडिया साउथ अफ्रीका में जीता, तो वाइट टीम है रिसेंट 3-4 साल में जो कि ऑफशोर भी जीत रही है। तो इंडिया को अब ये नहीं कह सकते कि मैं कह दूँ कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, बट वहाँ पे मानस लबुशेन फर्क होगा, वहाँ पे ट्रेवस हेड फर्क होगा, स्मिथ फर्क वहाँ होगा, पे स्टीवन स्मिथ फर्क होगा, वहाँ पे वार्नर फर्क होगा इफ ही कंटिन्यूज टू प्ले। लेकिन ये जो मॉरल डेंटिंग लॉसेज हैं जिस तरह उधेड़ के रख रहा है इंडिया, ये कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा साइकोलॉजिकली? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। रमेश भाई, आप एक्सपोज होने के लिए आए थे? ओह माय गॉड, मैं इसका क्या जवाब दूं आपको? नहीं, दें जवाब, मैं तो तभी तो सवाल सुनाया आपको। देखिए जी, ये कई लोगों को ना गलत फहमी बड़ी होती है, ये डिलूजनल सुपरस्टार हैं ये, मतलब है गलत फहमी के, और ये हर एक को यही, नहीं ये हर एक को यही कहते हैं। मेरे ख्याल में एक कामरान अकमल के साथ भी इनकी थोड़ी बहुत होगी, शायद अफरीदी के साथ। सो ये जो ब्रांड ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना है तो पहले इंसान बनना है, बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। What a comment. ये बड़ा पहले इंसान बनना, ये पहले इंसान बनना। ये जो इस तरह के, और देखिए पाकिस्तान की जो एक नीचे जाने की वजह क्रिकेटिंग सर्किट में ये है कि हमारे सारे नहीं बट जो इस तरह के एक्स प्लेयर्स है ना, वो इस तरह की बातों से हमारे क्रिकेट के ब्रांड को नीचे गिराते हैं, अकॉर्डिंग जो ब्रांड की बात करते हैं। ये आपको हमारे नेबर कंट्री में कभी नहीं होगा कि सुनील गवास्कर राहुल द्राविड की पतलून उतार रहे हैं, या सचिन तेंदुलकर जो है वो गांगुली की पतलून उतार रहे हैं, ये कभी नहीं होता। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि जिसका काम है उसको करने ना देना है, और खाम खा की जजमेंट और उंगलियां उठानी है। सीनियर्स और एज की रिस्पेक्ट भी अपनी जगह नहीं, उसके अलावा देखिए ये फोरम नहीं है ना। अब मैं उठ के किसी की भी कर सकता हूँ, अकाउंटेबिलिटी तो तभी होती है ना जब आप पंगा लेते हैं वो काम करने के लिए। दूर बैठ के हर कोई आप पे उंगली कर सकता है, मगर आते नहीं है इस गंद में या इसको ठीक करने के लिए। आपने at least you tried. अच्छा, you tried to create the system. ये भी ऐसे हैं। इसी इंटरव्यू में शोएब भाई ने जो है थोड़ा सा इसे अगर मैं एक्सटेंड करूं तो जमील, इसी इंटरव्यू में आपने क्लिप छोटा दिखाया, यकीनन आपने पूरा जो है वो नहीं, टाइम की कमी हमारे पास, उन्होंने कहा कि अगर मैं पीसीबी चेयरमैन होता तो मैं देता लड़कों को फ्रीडम, 7:30 बजे के बाद मैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कहता जाओ कल्चर में इन हो जाओ। मैं शेबा, हमें मालूम है कौन सा कल्चर है जिसमें इन होना है। नहीं नहीं, एक सेकंड, पहले पहले चेयरमैन बनने के लिए उनको कम से कम बीए करना है। ओह यस यस, ग्रेजुएट तो होना चाहिए। ये रमेश भाई ने आप अंदर की खबर दी है, मतलब अच्छा ठीक है, फिर तभी तो नाम रखा है जूली और मार्क वाला ऐसे पढ़ना।